और इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनावों के रिजल्ट से जुड़ी हुई। मैनपुरी में इस वक्त हंगामा लगातार जारी है। सुबह से लगातार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुमन वर्मा नगर पालिका क्षेत्र मैनपुरी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार आगे चल रही थी। देर शाम तक मतगणना अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखी गई है। प्रशासन के साथ ये लड़ाई देखी गई है। सपा का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी को फर्जी तरीके से जिताना चाहता है प्रशासन। मैनपुरी में हलचल तेज है और शिवपाल सिंह यादव और डिंपल यादव मतगणना स्थल पर अब देर रात पहुंच सकते हैं। मैनपुरी में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव आकर के यहाँ पर खुद मोर्चा संभालेंगे। सपाई लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि सपा प्रत्याशी को जल्द से जल्द विजयी घोषित किया जाए। मतगणना स्थल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। देर शाम तक ये हंगामा नजर आ रहा है। देर शाम तक मतगणना पूरी नहीं की जा सकी है। सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हुई है। स्थानीय पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के मतगणना स्थल पर घुस गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तमाम समर्थकों को वहां से खदेड़ा। मैनपुरी में हलचल तेज है कि शिवपाल सिंह यादव अब देर रात वहां पहुंच सकते हैं और खुद मोर्चा संभाल सकते हैं। डिंपल यादव के पहुंचने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तेज प्रताप यादव मैनपुरी में मौजूद है। सपाई लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि सपा प्रत्याशी को यहाँ पर घोषित किया जाए विजयी, जबकि मतगणना स्थल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। और सपाइयों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मतगणना में विलंब किया गया पूरे दिन, और अब रात तक भी मतगणना होने के बाद भी चुनावों का जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जा रहा। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से विजेता घोषित कर दिया जाए। मैनपुरी में हलचल तेज है कि शिवपाल सिंह यादव अब खुद यहाँ पर आ सकते हैं महासचिव में समाजवादी पार्टी के, और डिंपल यादव जो मैनपुरी से सांसद है वो यहाँ पहुंच करके प्रशासन के सामने सीधा दबाव बनाने के लिए मैनपुरी पहुंचने की बात कही जा रही है। मतगणना स्थल के बाहर भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है और रात के 8 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक मैनपुरी नगर पालिका क्षेत्र की मतगणना पूरी नहीं की गई है। विजेता के नाम का ऐलान नहीं किया गया। मैनपुरी में मतदान से ही जो धांधली के आरोप है वो लगातार लगाए जाते रहे। तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों ने एक साथ आकर के प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाए थे, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे और कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद मतगणना में भी धांधली का अंदेशा जताया गया था। और मतगणना के दौरान कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन इस वक्त की अपडेट ये है कि मतगणना सुबह से लगातार जारी रहने के बावजूद अभी तक जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो अभी तक घोषित नहीं किया गया है। और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सपा प्रत्याशी यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, उनकी जीत का ऐलान नहीं किया जा रहा। और कोशिश ये की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि किसी भी तरह से मनमानी करके भाजपा प्रत्याशी को यहाँ से जिता दिया जाए। मैनपुरी में हलचल तेज है कि शिवपाल सिंह यादव जो महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और डिंपल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं, वो सैफई से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इटावा में तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है और मैनपुरी पर अब सबकी निगाहें हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक विजेता का ऐलान नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी हालांकि सुबह से लगातार यहाँ पर आगे चलती रही है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है उसकी घोषणा प्रशासन ने नहीं की, और इसकी वजह से ये सारा विवाद बना हुआ है।